ट्रैक्टर का यानी टॉर्क बैकअप है वो 22% टॉर्क बैकअप के साथ ये ट्रैक्टर आपको मिलता है, जो कि इसको बनाता है काफ़ी हैवी से हैवी लोड में बिना इंजन आरपीएम ड्रॉप किए हुए। ये ट्रैक्टर आपका काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके देता है। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा 1 555 DI का, जो कि 50 HP कैटेगरी का एक काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है और इसका जो सेल्स का रिकॉर्ड है इंडिया में काफ़ी अच्छा आज के समय में और पहले से काफ़ी अच्छा चला रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इस ट्रैक्टर का सारा टेक्निकल जो भी स्पेसिफिकेशन 2023 में आज के समय में आपको मिलती है आपके साथ शेयर करेंगे और कितनी प्राइस रेंज का आपको ये ट्रैक्टर यहाँ पे पड़ता है। तो चलिए वीडियो में बनी रही कंटिन्यू। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस ट्रैक्टर के यहाँ पे इंजन से। तो इसमें आपको मिल जाता है 4-स्ट्रोक नेचुरल एस्पिरेटेड लिक्विड कूल डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन, जो कि आपकी प्रोड्यूस करता है 50 HP 2100 रेटेड इंजन RPM पे। और इस जो इंजन का यहाँ पे बोर है 94 mm का इस इंजन में आपको बोर मिल जाता है और 110 mm का इस इंजन में यहाँ पे आपको स्ट्रोक देखने को मिलता है। इस हिसाब से ये जो ट्रैक्टर का इंजन है 3054 cc का आपको इस ट्रैक्टर में यहाँ पे इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको मिलता है बोश के इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ में आपको ये ट्रैक्टर कंपनी ऑफर करती है। साथ ही में इस ट्रैक्टर में आपको यहाँ पे मिल जाता है सिंगल डीजल फिल्टर और बैटरी जो स्टार्टिंग मोटर की लोकेशन है वो भी बिल्कुल आपको यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन पंप के नीचे यहाँ पे मिल जाती है। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट लुक से। तो इस ट्रैक्टर में यहाँ पे हेलोजन लैंप के साथ आपको 2 हेडलैम्प इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं और जो इसके साइड इंडिकेटर हैं वो भी बिल्कुल हेडलैंप के साइड में आपको यहाँ पे मिलते हैं और दोनों ही हेडलैंप के बीच में आपको यहाँ पे एक पुश बटन मिल जाता है, जिससे आप इस ट्रैक्टर का यहाँ पे बोनट ओपन कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको यहाँ पे सिंगल पीस बोनट इस ट्रैक्टर में के अंदर आपको मिल जाता है। ट्रैक्टर के फ्रंट साइड में आपको काफ़ी एरिए में यहाँ पे जालियाँ देखने को मिल जाती हैं, जो कि इस ट्रैक्टर में हेल्प करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा यहाँ पे रेडिएटर तक अंदर जा सके और ट्रैक्टर आपका काफ़ी अच्छी कूलिंग एफिशिएंसी के साथ काम कर सके। तो ये जालियाँ उस चीज़ का यहाँ पे फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। साथ ही में इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाता है ड्यूल एलिमेंट टाइप का एयर क्लीनर और जो इसका यहाँ पे रेडिएटर काफ़ी बड़े साइज़ का आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपको मिलता है ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ में। अब बात करें यहाँ पे इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की। तो इसमें यहाँ पे आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी इस ट्रैक्टर का एडजस्टेबल टाइप फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है, जो कि आपको मिलता है डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग के साथ में, जो कि इसको काफ़ी स्मूथली ऑपरेट करने में यहाँ पे इसका स्टेयरिंग सिस्टम हेल्प करता है। साथ ही साथ में आपको इसके एक्सल पे मिल जाते हैं कंपनी फिटेड वेट, ताकि जब भी आप ट्रॉली वगैरह में इस ट्रैक्टर को चलाओ तो ट्रैक्टर आगे से कम खड़ा हो, इसके लिए आपको यहाँ पे एक्सल में अलग से वेट भी इस ट्रैक्टर में यहाँ पे कंपनी आपको अटैच करके देती है। साथ में यहाँ पे इंजन ऑयल फिल्टर की लोकेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पे मिलता है ऑयल कूलर के साथ में। काफ़ी बड़े साइज़ का आपको इस ट्रैक्टर में यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर मिल जाता है, जो कि आपको हेल्प करता है लिफ्ट की काफ़ी अच्छी और स्मूथली काफ़ी लंबे समय तक आपकी लिफ्ट काम करे। तो ये हाइड्रोलिक फिल्टर उसके लिए आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी हेल्प यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इस ट्रैक्टर का जो आपको सिलेंडर हेड है वो मोनोब्लॉक टाइप में मिल जाता है, यानी सभी जितने भी यानी 4 सिलेंडर इस ट्रैक्टर का इंजन है, तो सभी 4 सिलेंडरों के लिए आपको यहाँ पे सिंगल सिलेंडर हेड इस ट्रैक्टर का देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे इस साइड में टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि मेटलिक कंस्ट्रक्शन के साथ आपको यहाँ पे मिलता है। इसके जो फुट स्टेपर है वो डबल माउंटिंग के साथ आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करें इस ट्रैक्टर के यहाँ पे क्लच की, तो इसमें आपको सिंगल और ड्यूल क्लच का दोनों का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल इस ट्रैक्टर में रहता है। बात करें इस ट्रैक्टर के ब्रेकों की, तो इसमें आपको तेल में डूबी हुई यानी ऑयल इमर्स टाइप डिस्क ब्रेक यहाँ पे मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक भरोसे के साथ आपका साथ यहाँ पे देती हैं। अगर बात करें इस ट्रैक्टर के यहाँ पे प्लेटफॉर्म की, तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको इस ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के जो ऑपरेटर व्यू पॉइंट से फीचर आपको इसमें मिलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। तो यहाँ पे आपको सभी जितनी भी टेम्परेचर बैटरी ऑयल और फ्यूल की गेज है
और टैकोमीटर है वो सभी एनालॉग में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जो आपका आवर्स मीटर है जो आपको घंटे शो करेगा कि ट्रैक्टर आपका कितने घंटे चल चुका है, वो आपको यहाँ पे डिजिटली इस ट्रैक्टर में शो करेगा। बाकी अगर बात करें यहाँ पे इस ट्रैक्टर के स्टेयरिंग व्हील की, तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, जिसमें आपको मिलती है यहाँ पे स्टेयरिंग के बीच में महिंद्रा की ब्रांडिंग। बाकी लाइट कंट्रोल स्विच आपको बिल्कुल ही स्टेयरिंग व्हील के यहाँ पे साइड में देखने को मिल जाते हैं। जो इसका हैंड एक्सीलेटर है उसकी काफ़ी सॉलिड आपको दिया गया है, और जो इसका रियर व्यू मिरर है वो बिल्कुल ही यहाँ पे इसके डैशबोर्ड के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे अटैच आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी जो इसका इंजन कट ऑफ लीवर है वो बिल्कुल स्टेयरिंग व्हील के यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है। बाकी की का ऑप्शन यहाँ आ जाता है, हॉर्न यहाँ पे आ जाता है, बाकी हजार्ड लाइट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे इसमें मिल जाता है। इस ट्रैक्टर में कुछ इस डिज़ाइन के आपको यहाँ पे PCDC लीवर देखने को मिल जाते हैं, और जो पार्किंग लीवर है इस ट्रैक्टर का वो बिल्कुल ही PCDC लीवर और फेंडर के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो हाइड्रोलिक वाल्व का कंट्रोल लीवर है वो आपको यहाँ पे देखने को इस ट्रैक्टर में यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अगर बात करें इस ट्रैक्टर की यहाँ की यहाँ पे PTO की, तो इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों PTO ऑप्शन इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर बात करें इस ट्रैक्टर के गियर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर ऑप्शन मिल जाता है। ये ट्रैक्टर आपको सेंटर गियर और साइड गियर दोनों ऑप्शनों में यहाँ पे आपको अवेलेबल रहता है। बाकी क्लच और ब्रेक पैडल की कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी फ्लोरिंग में आपको यहाँ पे मैट भी कंपनी फिटेड कुछ इस डिज़ाइन के इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं। बाकी अगर बात करें इस ट्रैक्टर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आपको 65 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस ट्रैक्टर में दी गई है, ताकि किसान एक बार इस ट्रैक्टर में डीजल का टैंक भरा के काफ़ी लंबे समय तक इस ट्रैक्टर को यूज़ में ले सके। इसलिए इसमें काफ़ी अच्छी एक 65 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के रियर लुक की, तो काफ़ी हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन के साथ आपको ये ट्रैक्टर यहाँ पे दिया जाता है। आप चेक कर सकते हैं इसके रियर एक्सल काफ़ी हैवी ड्यूटी डिज़ाइन के साथ दिए गए हैं, और साथ ही में आपको यहाँ पे प्रोविजनल पॉइंट दिए गए हैं, ताकि किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी फेंडर की यहाँ पे फेंडर को एडजस्ट कर सके अपनी ज़रूरत के हिसाब से। साथ ही बात करें इस ट्रैक्टर की यहाँ पे लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो 1850 केजी की आपको इस ट्रैक्टर में लिफ्टिंग कैपेसिटी यहाँ पे मिल जाती है, और साथ ही में आपको यहाँ पे मिलते हैं कंपनी फिटेड 2 हाइड्रोलिक डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, और जो इसका टॉपलिंग का पॉइंट है वो आपको सिंगल एडजस्टमेंट के साथ ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसिंग के साथ में कंपनी आपको ये ट्रैक्टर ऑफर यहाँ पे करती है। साथ ही में बिल्कुल ड्राइवर सीट के पीछे आपको यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज का रिफ्लेक्टर इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाता है। फेंडर की मजबूती को बनाए रखने के लिए कंपनी आपको यहाँ पे सेंटर सपोर्ट भी इस ट्रैक्टर में प्रोवाइड करती है, ताकि इसके फेंडर में यहाँ पे क्रैकिंग वगैरह का इशू कम से कम आए, और सेंटर सपोर्ट के पाइप पर ही आपको इस ट्रैक्टर में यहाँ पे एक वर्क लैंप देखने को मिल जाता है। जो इसके यहाँ पे रियर के टेल लैंप है आपको कुछ इस डिज़ाइन के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस ट्रैक्टर को कुछ प्रीमियम क्वालिटी का लुक प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं। बाकी अगर बात करें इस ट्रैक्टर के टायर साइज की, तो कंपनी आपको यहाँ 14x28 और 16x28 के रियर टायर इस ट्रैक्टर में यहाँ पे आपको ऑफर करती है। इस ट्रैक्टर में यहाँ पे 14x28 के टायर लगे हैं, और इसके साथ जो कम्बिनेशन कंपनी ने दिया है वो फ्रंट टायर का दिया है। यहाँ पे 7x50x16 का 14x28 के टायर के साथ आपको 7x50x16 का कंपनी इस ट्रैक्टर में कम्बिनेशन टायर का यहाँ पे प्रोवाइड करती है। बाकी कंपनी ने आपको यहाँ लोडर वगैरह लगाने के प्रोविजनल पॉइंट भी इस ट्रैक्टर में यहाँ पे आपको दिए हैं। तो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही। अगर 2023 में आप इस ट्रैक्टर को परचेज करते हो, तो करीब 7.5 लाख के करीब आपको ये ट्रैक्टर यहाँ पे पड़ता है। तो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।